अस्सलाम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। तो भाई लोग, आज हम सुनने वाले हैं वो चीज़ जो कि हमें सुन लेनी चाहिए थी बहुत पहले। मतलब गाने का नाम है वेली हो काम डलवा लो। अच्छा, वेली हो गाने का नाम है और हसन रहीम की तरफ से ये गाना आया है। और हम इस गाने पे क्यों आए हैं? हम आए हैं यूनुस की वजह से। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हसन रहीम को सुनते नहीं हैं, लेकिन हम यूनुस के लिए आए हैं भाई। और साथ है अब्दुल्ला, ये मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर हैं या क्या हैं, एक सेकेंड ब्रो, क्योंकि इनको मैंने काफ़ी गानों पे देखा हुआ है भाई। मिक्स मास्टर किया हुआ है अब्दुल्ला ने। तो हाँ, खैर स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं। और ये पाकिस्तान में सर ट्रेंडिंग पे है, 26वें नंबर पे। अभी हसन से आया या यूनस से आया, मेरे हिसाब से दोनों की वजह से आया, क्योंकि दोनों ही टॉप हैं। या तो गाना अच्छा इसलिए गाना ट्रेंडिंग पे आया भाई, यही हो सकता है। स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और चेक करते हैं कि गाने में क्या हिसाब किताब है। यस कमांडो, मेरे दिल से ना तू खेल, दे दे मुझे तू जवाब, जिंदगी ना कर जा, अजब सा है ये समां, मेरे हम दोनों यहाँ, उम्मीद ना दिया करो, सितारे गर्दिश में है ना, तुम्हें प्यार से बुलाऊंगा मैं, हर जगह चला आऊंगा मैं, ये सारी कहानी ना तुम्हें सुना के, कैसे खुद को समझाऊंगा मैं। असल इनके ऊपर मीम्स बनती है, मैं देख रहा होता हूँ कि वो ई करके गाता है ब्रो। ऑनेस्टली आप ठीक है, लेकिन सच बोलूँ मुझे अच्छा लगता है, वो अच्छा लग रहा है इस पे ब्रो, इस पे अच्छा लग रहा है, इसलिए तो वो हिट हो रहा है। और मुझे खुशी है कि रैप के बाद कोई अगर गाने अपना रीबर्थ हो रहा है म्यूज़िक का ना, ये नहीं था, ख़त्म हो चुका हुआ था। MKM क्या बोलती पब्लिक। और वैसे भी हमारे ज़रा मजहबी लोग ही ज़रा ज़रा, क्योंकि अब मैं इस पर क्या बात करूँ या बहस करूँ, लेकिन रीबर्थ हो रहा है म्यूज़िक का, तो उनमें बड़े बड़े हाथ हैं लोगों के, जैसे रैप काफ़ी ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर। अफसोस की बात भी है, लेकिन अजीब सी बात भी है। अफसोस की बात तो नहीं होनी चाहिए, अजीब सी बात ज़्यादा होगी कि रैप जो कि कभी ना हुआ था, वो जाग रहा है, वो जाग रहा है और दिन ब दिन अपग्रेड हो ही जा रहा है। रीबर्थ सीन है ब्रो। और उसी तरह हसन शामून लगा हुआ था, शामून या सलमान, नहीं शामून करके नाम है, इस्माइल करके कुछ वो लगा हुआ था, इसी तरह सारे वापस आ रहे हैं। तो ये म्यूजिक अच्छा है और हसन अच्छा गाता है। थक गए हो मैं पानी पी लो यूनुस पानी पी लो थक गए हो मैं थक गए हो गए तो मेरी क्लास में बैठ मेरी क्लास में बैठ करके थक गए हो पानी पी लो तुम पी लो तुम। तितलियों के बाग में लकड़ियों को आग दे, गलतियों से भाग दे, हम रैप को भी राग दे, जब करते तुमसे बात हुए रात को हम जागते, घोड़े हमने राब दे, हम बुलाते प्यार से ये लड़के तुझको ताड़ दे। सेम ऐसी राइम थी इसकी किसी और गाने में भी। यार कौन तो गाने के नाम भूल जाते हैं ब्रो। सेम ऐसी राइम, ऐसा पैटर्न था, ऐसा ही फ्लो था। कौन सा गाना था? मिक्स टेप का था ना पहला गाना, 6ix9ine करके, क्या था, 6 क्या कुछ था, टन 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 टन, नहीं ये तो मोरू का था, एक सेकेंड यार, इसका मिक्स टेप का एक पहला गाना था जिसमें यूनुस की फोटो लगी हुई थी शायद, ये वैसा है ना। बाग में लकड़ियों को आग दे, गलतियों से भाग दे, हम रैप को भी राग दे, जब करते तुमसे बात हुए रात को हम जागते, घोड़े हमने राब दे, हम बुलाते प्यार से ये लड़के तुझको तार दे, चढ़ गई प्रखार तो ये जिंदगी बचार दिन, हम तो सिर संभाल ये हम रखते हैं संभाल के, जानते ये सारे मुझे जानते, रिवाइंड द बिल्डिंग बेबी ले चलूं मैं चांद पे, फोन वोन छोड़ दे जो तू खड़ी हो सामने, जो तू मुझसे खेलती ये कैसा इम्तिहान पे।
यूज पंजाबी कर रहे हैं ना बेचिक सेकंड रात को हम जागते हैं थोड़े हमने रबते हम बुलाते प्यार से ये लड़के तुझको तारते चढ़ गई प्रखार तो ये जिंदगी बचार दिन तुम तो सिर संभाल ये हम रखते हैं संभाल के जानते ये सारे मुझे जानते दीवाएं जो बिल्डिंग पे भी ले चलू मैं कहती मैं अकेली पर जिंदगी ने फिर से मेरी ले ली क्या यार क्या हो रहा है यार लाइव जा रहा है यार क्या कर रहे हैं यार क्या मैं पता नहीं क्या समझा था ब्रो ठीक है मिला डेली कहती मैं अकेली पर जिंदगी ने फिर से मेरी ले ली मैं प्यार से बुलाऊंगा मैं हर जगह चला आऊंगा मैं ये सारी कहानी ना तुम्हें सुना के कैसे खुद को समझाऊंगा मैं ये तुम मेरी हो मैं मेरा हूँ हम दोनों हैं अकेला क्यों अकेला क्यों अकेला अकेली जो अकेली तू अकेला मैं अकेला एक मिनट रुक भाई रुक भाई रुक ये गाना यार किसका कौन सा था यार इसका यूनस का एक गाना था मेरे को बिल्कुल वैसा आ रहा था मैं सोच रहा था गाना कौन सा है एक तो यार लफ्ज़ों का खेल तो होता ही होता है लेकिन तुम मानो ना मानो म्यूज़िक खेल खेलता है बाबा म्यूज़िक ना होना तो लिरिक्स बहुत फारग हो जाए ठीक है ना भाई ये है ये होता है भाई वो हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि वो वाला जो आर्टिस्ट होता है ना वो वाला आर्टिस्ट वो उसके पास म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है इसलिए वो चलता है उसके लिरिक्स नहीं होते तो म्यूज़िक इतनी ताकत रखता है कि भाई म्यूज़िक मच हो देता है ये सीन है तो इस गाने की जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत सेक्सी किस्म की हुई है इसका जो अब्दुल्ला बंदा ना भाई अब्दुल्ला और हमजा जो है ना ये दोनों काले साहब के फेवरेट फ्रेंड्स हैं और इनसे बदतमीजी नहीं करने का ब्रो ठीक है ना क्या था यार उसका यूनुस का एक गाना था भाई ये बिल्कुल मेरे को वैसा वाइब दे रहा था मैं उस गाने को ढूंढ रहा था बिल्कुल इस गाने को मैं ढूंढने शुरू हो गया था मेरा क्या था यार सिक्स था या कुछ ऐसे था सिक्सटीन कुछ ऐसा था कुछ तुम लोगों को याद होगा ऐसा कुछ था तो हाँ गाना मज़े का ब्रो लेकिन इसके अंदर आप तुम्हें पता है म्यूजिक प्रोडक्शन मज़े की है और लिरिक्स मज़ेदार है ब्रो मैं हमेशा ये कहता हूँ मैं बार बार कह के थक गया तुम लोग भी तंग हो गए होगे कि मेरे को इस तरह के गाने जब भी पसंद आते हैं जब वाकई में कंचा काम किया हो मज़ा आ रहा हो आप उसे रिलेट कर पा रहे हो लोलो पोपो से थोड़ा हटके हो लोलो पोपो मुझे बिल्कुल डाउन कर देता होता है मेरे से मुझे वाइब चाहिए होती है मेरे को इन्जॉय करना ये पूरा गाना वाइब वाला एक पूरा गाना वाइब वाला इसमें खाली तुम एपी ढिलो या क्या नाम है एपी ढिलन ढिलन डिफेंस की बच्चियां खाली सिर्फ उसको सुनती है इसमें हसन को हम सारे सुनेंगे डिफेंस के भी सुनेंगे मेरे टाउन के भी सुनेंगे टेंशन ही लेने का सारे सेक्सी वो क्या बोलती पब्लिक सो हम बताओ लोगों किसी अगली वीडियो में तब तक ले बाबा जी ये गाना मैं रिपीट पे सुनूंगा बहन चो अब मुझे पता चला ट्रेंडिंग पे क्यों गाना मजे का बाबा जी यस कमा